नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस वर्सेस रियलमी C65 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 20 Pro Plus में 6.48 इंच जबकि C65 5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 20 Pro Plus में 2.95 इंच जबकि C65 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 20 Pro Plus में 0.3 इंच जबकि C65 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 20 Pro Plus से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 20 Pro Plus में AMOLED जबकि C65 5G में XLCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 20 Pro Plus में 20:9 जबकि C65 5G में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 20 Pro Plus में 6.78 इंचेस जबकि C65 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 20 Pro Plus में 1080x2460px FHD+ और C65 5G में 720x1604px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 20 Pro Plus में 88.56% जबकि C65 5G में 85.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 20 Pro Plus में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि C65 5G में 264 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 20 Pro Plus में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। और C65 5G की बात करें तो इसमें 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 20 Pro Plus में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और C65 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 20 Pro Plus में MediaTek Helio G99 Ultimate और C65 5G में MediaTek Dimensity 6300 मिलता है। बात करें RAM की तो 20 Pro Plus में 8GB की RAM मिलती है, जबकि C65 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 20 Pro Plus में 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि C65 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 20 Pro Plus में अप टू 1TB जबकि C65 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 20 Pro Plus में 4 कलर्स जबकि C65 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 20 Pro Plus में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ
₹14,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें C65 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹10,499, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹11,499, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹11,913 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें रियलमी C65 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 20 प्रो प्लस आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M14 4G है, दूसरा ओप्पो K12X 5G है, तीसरा रियलमी नाजो N65 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स नोट 45G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।